तो आपने ये हेडफोन्स देखे होंगे, काफ़ी फेमस बेयर डायनामिक्स DT770 प्रो, लेकिन जब भी आप इनको खरीदने जाए ऑनलाइन अमेजोन पे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं 32 ओम्स, 80 ओम्स, 250 ओम्स। आपको नहीं पता कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए। क्या है ये ओम्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज, ड्रीम आउट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ हेडफोन इम्पीडेंस के बारे में। ओम्स होते क्या है, 32 ओम्स, 80 ओम्स, ये होते क्या है और कौन सा आपको खरीदना चाहिए। तो इम्पीडेंस है क्या? इम्पीडेंस बेसिकली एक रेजिस्टेंस है आपके इलेक्ट्रिकल फ्लो के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल फ्लो को रोकता है। यानी कि जितना ज़्यादा आपका इम्पीडेंस होगा उतना ज़्यादा पावर आपको चाहिए होगा किसी भी गियर को ड्राइव करने के लिए, किसी भी गियर को चलाने के लिए। और ये ओम्स जो है, ओम्स बेसिकली एक मेजरमेंट यूनिट है इम्पीडेंस का। इसका इस्तेमाल करते हुए हम मेजर करते हैं इम्पीडेंस को। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ज़्यादा इम्पीडेंस लेना ही क्यों है यार, सब कम इम्पीडेंस में करते हैं। वेल, अगर हम डिटेल्स पे नहीं बात करें और मोटी मोटी बात आपको मैं समझाऊँ तो हाई इम्पीडेंस से आपके जो ओवरऑल बेस है वो इम्प्रूव होता है। ओवरऑल आपको एक बेटर साउंड भी मिलता है जब इम्पीडेंस हाई होता है। नाउ ऑफ कोर्स, इन हेडफोन्स को रन करने के लिए आपको एम्पलीफायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनका पावर आउटपुट होगा। जितना ज़्यादा पावर वो एम्पलीफायर सप्लाई करेंगे उतने हाई इम्पीडेंस वाले आपके डिवाइसेस रन हो पाएंगे उनमें। फॉर एग्जांपल, आपके जो फ़ोन है, आपका जो टैब है, आपका जो कंप्यूटर है, ये लो पावर सप्लाई करेगा। जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करें, जब हम एम्पलीफायर्स की बात करें, इनके अंदर जो एम्पलीफायर्स है वो ज़्यादा पावर आपको सप्लाई नहीं करेगा। और ऐसे सिचुएशंस के लिए बेटर है कि आप एक लो इम्पीडेंस वाले हेडफोन्स ले, जैसे कि 32 ओम्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर हम 250 ओम्स वाले हेडफोन्स की बात करें तो जहाँ पे हाई इम्पीडेंस है यहाँ पे आपको एक सेपरेट पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करेगा आपके हेडफोन्स पे। अगर आपके पास वो पावर एम्पलीफायर्स नहीं है, अगर आपके पास इंटरफेस है, ऑडियो इंटरफेस है, तो आप उन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा जो आपके हेडफोन्स को ड्राइव करेगा। नाउ ये तो हमने बात कर ली कि अगर आप एक 250 ओम्स को लगाएंगे एक कम पावर आउटपुट वाले डिवाइस में तो आपको क्या होगा, आपको कम सुनाई देगा। वॉट इफ़ अगर आप एक लो इम्पिडेंस वाले यानी कि 32 ओम्स को एक पावर एम्पलीफायर में लगाएं जहाँ पे अपने एक्सटर्नल पावर एम्पलीफायर यूज़ किया वहाँ पे लगाएं तो क्या होगा? तो इससे एक चीज़ हो सकता है जिसे हम कहते हैं ब्लो आउट, यानी कि आपके ऑडियो जो है वो आपको काफ़ी डिस्टॉर्टेड सुनाई देगा, काफ़ी नॉट डिटेल, नॉट क्लियर। हाई चांसेस है कि आप अपने हेडफोन्स के फिजिकल डैमेज भी करें, यानी कि आप ब्लो आउट कर दें उनके ड्राइवर्स को। इन सारी बातों की अगर सार की हम बात करें, अगर बॉटम लाइन की हम बात करें, तो ऐसा है कि आपको एक 250 ओम्स सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अगर आपके पास हेडफोन एम्पलीफायर्स है, अगर आपके पास इंटरफेसेस है, अगर आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं स्टिल आपके पास एक इंटरफेस नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक 32 ओम्स लेना चाहिए। और 80 ओम जो है वो इन बिटवीन है, वो मिडवे है, आप दोनों जगह कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में हैं, मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि आप जाके एक 250 ओम्स लें, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल साउंड सुनाई देगा कंपेयर टू 80 ओम्स एज वेल एज 32 ओम्स। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था हेडफोन इम्पीडेंस के बारे में। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।